अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? आज हम लोग ऑफिस से एक वीडियो बना रहे हैं नवाज़ की, जो ऑलरेडी 2 महीना पहले नियाज भाई खुद आके वीडियो बनाए थे। ये नियाज भाई है। अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई। वालेकुम सलाम भाई। नियाज भाई, आज आप खुद आए हैं आपका बकरा वजन करने, क्योंकि आपने हमारा देखे है कि शेड्यूल बिजी है, तो 1-2 दिन लेट होएगा, और आपकी मोहब्बत है तो आप पालघर से यहाँ पर आए बकरे को देखने के लिए भी, और फिर वजन भी किए। जी भाई। तो वजन आपने कभी बकरा दिए थे मेरे पास? जनवरी में दिया था। क्या वजन पे दिए थे? जनवरी में 38 केजी था। और 2 महीना पहले अपन ने एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो में एग्जैक्टली अभी मुझे भी याद है, मेरे ख्याल से 45 समथिंग था। तो आज बकरा ये यहाँ पर है, बकरे को निकालेंगे पहले। ये 56 वजन बता रहा है यहाँ पर बकरा, लेकिन हम लोग इसको वापस निकालेंगे, 0 बता के वापस डालेंगे बकरे को। और बकरे ने माशाल्लाह पेटा वीटा सब अच्छा किया हुआ, माशाल्लाह। निकालो जरा, ये है नवाज और ये है 0। नियाज भाई अपने हाथ से डालो, ताकि लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारे वजन में 8 केजी का फर्क है, और कुछ कुछ अफवाहों का बाजार चलता है ना, लुंगी टंग ऐसे कुछ नहीं, मैं खुद पर्सनली आके देखता हूँ। तो इसीलिए लोग पर्सनली आएंगे, तो अभी मैं भी खुद अपना भी करूंगा तो मुझे पता चल ही जाएगा। हाँ, तो बाद में तुम्हारा वजन करेगा। तो भाई अगर डिफरेंट रहता भी है ना, तो भाई ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 नहीं, डिफरेंट रहेगा वजन में, तो आने के टाइम पे भी वजन में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये अभी डाल दिए इसको, और ये है एग्जैक्टली 56 केजी। स्टेबल 55.50। ठीक है, आधे घंटे, ये 56 और 55.50। अब इसको निकालेंगे। तुम्हारा वजन क्या है एक्चुअली? अभी अपन ने पहले वजन नहीं किए, तो कितना? 70। तो चलो अभी तुम्हारा भी वजन कर लेते, अभी नवाज का कर लिए तो नियाज भाई का भी करना ज़रूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है मेरे कांटे में 8 किलो का फर्क है? नहीं, 71 है। तो ये अफवाहों का बाजार रहता है एक्चुअली, लोगों को है ना सिर्फ बताना जरूरी होता है। अगर किसी को डाउट है ना, तो पर्सनली आए, अपना वजन है ना बाहर है ना रेलवे स्टेशन की मशीन पे 1 रुपया डाल के करे, और इसके बाद में वापिस आके करे, तो मालूम पड़ेगा कांटे में क्या है क्या नहीं है। सिर्फ बदनाम करना देखते हैं कहीं ना कहीं से, बस देखो एक्चुअली क्या मांग के नियाज भाई, मैं कोई कंट्रोवर्सी में पड़ रहा नहीं, मैं किधर नहीं है, मैं मेरे काम से तवज्जो दे रहा हूँ। तो अननेसेसरी कुछ ना कुछ उंगलियां और कुछ ना कुछ बातें करेंगे, और मेरे को वो बातों पे तवज्जो नहीं देने का, लेकिन क्लैरिटी मेरे को करना जरूरी होता है। तो लोगों के सामने क्लैरिटी आना चाहिए, क्या नहीं भाई, अगर अफवाह फैली है तो क्यों फैली है? मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, इतनी मेहनत कर रहे हो और उसके बाद में बकरे को नहलाना। अभी परसों ही आपके बकरे को नहलाया हमने, वीडियो डाली, तो टर्न बाय टर्न मेरे को और भी बकरे नहलाने का बाकी है लोगों के है, तो वो चीज़ हम लोगों को चलना है आगे, और उसके बाद में मेहनत कर रहे हम लोग। आप देखे मेरा वजन कितना गिरी है और मेरा कलर कितना काला हो गया है। मेहनत करते ना भाई, मतलब वर्कर लोग के साथ में वर्कर बने रहते हैं, तो फिर वजन भी कम हो जाता है और टेंशन भी रहता है। उसके बाद में भी है ना कुछ अफवाह होती है ना, तो थोड़ा बहुत है ना ऐसा दिमाग पे शॉक जैसा लगता है, लेकिन बोले भाई चलो जितने बोलेंगे ना उतनी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। भाई लोग क्या उंगली करने की आदत रहती है, लोग को उंगली करते रहेंगे और उंगली करते ही रह जाएंगे वो लोग, और कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। वही है जो मेहनत करता है भाई, वो उसको सक्सेस मिलना ही मिलना है। देखो मैं तो अल्लाह की जात पे भरोसा रखता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मेरा रिस्क देने वाले मेरे इतने स्टाफ है, अल्लाह ताला उनका रिज यहाँ पर रखा हुआ है, तब तक है जिस दिन अल्लाह ताला को मेरी कोई ना कोई चीज़ें ना मंजूर होगी, पसंद नहीं आएगी, जिस दिन मैं दावा करूँगा ये है, तो हो सकता है अल्लाह की मर्जी है हर चीज़ में, और बेशक उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलते आया हूँ। तो नीचे से लेके यहाँ तक जो पहुँचा ये मुकाम पे, तो अल्लाह ताला ने पहुँचाया, और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोला बहुत हुआ है। मतलब हमारे यंग एज में मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, तभी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, तो हर चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए निकले। थोड़ा दुख होता है, लेकिन आदमी को चलना चाहिए, ज़रूरी है आगे, तो आगे चल के ये ऐसा नहीं है कि उधर ही स्टॉप हो जाए, आगे बढ़ना है हमको। हमारे हालातों से कैसा निकलना, मेहनत करो और दुआ मांगो, दवा दुआ
सब होना चाहिए हर चीज में, तो हम लोग वही करते हैं अभी। और एक बात मतलब ऐसे भी बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी चीज है जिसके बोलने पे अल्लाह है ना और ज्यादा देता है। तो हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो, तो भाई उस चीज से ऊपर वाला और ज्यादा देता है। नियाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो तो भाई शुक्र है अल्लाह ताला का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये भी शुक्र अदा करूंगा मैं कि आपने बकरा मेरे पास दिए, आपने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया, मतलब ना फोटो के लिए ना वीडियो के लिए ना कुछ है या कि है। आप जब मैंने वीडियो डाला आप देखे, आप आए एक दो महीने के बाद में आए, आप बकरा देखे, बकरे में हमेशा चेंजेस मिला आपको माशाल्लाह। लास्ट टाइम दो महीने पहले मैं आया था तो मैं आपको यही बोला था कि आप फ्री रहेंगे तो फोटो डालना, तो हम आ ही जाएंगे। तो आपके स्टेटस हम लोग देखते रहते हैं, जैसे आपका स्टेटस है 1-2 मिनट में हम लोग देखते ही है, तो हम लोग को पता चलता है कि बिजी है, तो हम लोग क्या नहीं डिस्टर्ब करते, क्यों मालूम है कि मतलब आप वर्कर लोग के साथ में वर्कर बने रहते हैं, ऐसे नहीं कि आप बैठे रहेंगे। तो मैं एक वीडियो आई थी, बहुत सारे मैसेज आ गए थे, नवाज नहीं दिख रहा, नवाज नहीं दिख रहा है, मैंने फोन करके बोल दिया तुम्हारा नवाज को बेच के खा लिया मैं। तो उसने शायद कमेंट किया था, तो मुझे उसने 2 दिन पहले बताया, बोला फैसल भाई का वीडियो आया था, तो मैंने कमेंट किया, तो बोला नवाज भी दिखाई दिया, तो उन्होंने बोला कि दूसरे बाड़े में, क्योंकि एक्चुअली मेरा वो बाड़ा क्लीन हुआ था। चलो उन्होंने रिसीव नहीं किया ना, हम लोग साथ में आने का प्लानिंग रहता, लेकिन हम लोग क्या कभी मुमरा से मैं डायरेक्ट इधर ही आ जाता हूँ जी, तो प्लान नहीं रहता, वरना तो हम लोग 5-6 लोग हैं जो इसको जितने लोग चाहते हैं ना वो लोग सब मिल के आने वाले, लेकिन क्या टाइम सेट नहीं होगा भाई, लेके आ जाओ यहाँ पर। देखो मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ी दावत नहीं देता हूँ, आप लोग खुद बिरयानी, आप लोग खुद बिरयानी लेके आते हैं, आप लोग खुद बिरयानी लेके आते हैं, क्योंकि भाई मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं रहता, मेरे आदमी है, इनको आप रेंडमली पूछो कितने टाइम फैसल भाई ने दोपहर का खाना खाया, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए रहते, मैं काम में रहता, इधर आके खाते ना, तो मतलब हम लोग को अच्छा लगता है। तो मैं लास्ट टाइम बोला था कि मैं लेके आऊंगा, इस टाइम मैं अकेला था तो मैं नहीं लेके आया पाया, वरना फिर मैं इस टाइम भी लेके आया था। नहीं नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं आप आओ, लेकिन मैं एक छोटा आदमी हूँ, बिरयानी की दावत नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाय नाश्ता करा के बिगड़ तो वो भेजूंगा नहीं इंशाल्लाह। सही है भाई, मतलब जैसे आप आते हैं तो कुछ बातें करते हैं, शेयर करते हैं, तो क्या मतलब उसकी जरूरत नहीं खाना। और आप आए हैं तब से, अब मैंने आप मेरे पहले आए, क्योंकि आज मेरे को लेट हुआ आने के लिए, आए तब से आने के साथ में मेरे आपने रूटीन देख लिया, और रूटीन देखने के बाद में मैं आने के साथ में मेरे सवालात जो रहते आदमियों से जो गेट टुगेदर करके, तो वो क्या होते हैं वो आपने सब देखे, तो सबके सामने होना चाहिए। देखिए मतलब बकरा बीमार था उसकी अपडेट ले लिए, और जो आपके वर्कर है उनसे भी अपडेट ले लिए कि भाई सब ठीक है कैसे, बकरा बाहर लाके रखा था उन्होंने, तो कुछ बीमार कुछ उसके लूज मोशन हो गया, तो उसका भी अपडेट ले लिया, और बाकी जितने भी बाड़े हैं सबका मुआयना किया है, सबकी अपडेट लेके आए। हाँ। तो फिर आए तो फिर बाद में मुझसे मिले कि क्या हुआ क्या नहीं, फिर हम लोग भी अपने बकरे को निकाले, थोड़ा उसके साथ भी खेले अभी। नहीं मेरे यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना नियाज भाई, क्या भाई तुम्हारा बकरा है तो तुम सिर्फ तुम्हारा ही बकरा निकलो और कोई बकरे के साथ में छेड़खानी मत करो, मैंने कभी टोका आपको, ऐसा ही कुछ नहीं है माशाल्लाह। ये चीज तो बहुत अच्छी लगती है मुझे यहाँ पे, भाई देखो आते हैं तो मतलब देखते हैं जैसे कि भाई हमारा बकरा है, ठीक है ये हमारा बकरा है, तो एक बकरा ऐसे है कि मतलब हमारे बकरे से भी और ज्यादा अच्छा है, तो उसको देखने की छूने की भाई किसी की भी चाहत होती है, ऐसे नहीं कि मेरा ही बकरा कितना अच्छा हो, शौक बढ़ाने के लिए ना जरूरी नहीं, मैं हमेशा मैं रिपीट करता हूँ, आपके एक भी बकरे मत रहने दो मेरे पास, आप आओ जो बकरा निकालने का है ना आप निकालो, मैं कस्टमरों को जवाब दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कस्टमर निकालो देखो, क्योंकि शौक बढ़ेगा, हमको शौक बढ़ाना है, हमको सिर्फ पैसा नहीं देखना है उसके अंदर, शौक बढ़ाना है, शौक बढ़ा के ही आगे ये करेंगे। कुछ लोग कैसे रहते मतलब एफर्ड नहीं कर पाते, वो आते तो देख के उनका थोड़ा बहुत तसल्ली हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, लेकिन उनको तसल्ली मिल जाती है, सुकून मिलता है, नहीं क्या बकरे के साथ में खेला, मैंने देखा उसको छुआ, कुछ इतने भी पागल रहते हैं कि मतलब 2-2, 4-4 घंटे तक बकरे की स्मेल सुनते हैं, मतलब उनको सुकून मिलता है, ऐसे भी चाहने वाले मेरे मेरे जैसा तो अलग ही है, मेरे तो घर पे खुशबू आती है ना, ये मैं तो ये टी शर्ट है ना ऐसा एंट्री करने के साथ में, वो जो गाड़ी में खुशबू आती है ना तो वो मजा ही कुछ और है, परफ्यूम भी काम नहीं करता है, लेकिन हाँ तो ये तो उससे भी बेहतर खुशबू है इसकी हमारे लिए, सही बात है माशाल्लाह। अभी मैंने भी देखा लास्ट टाइम 2 महीने पहले हम आए थे तो शॉकिंग, जैसे आपने फोटो भेजा तो एकदम शॉक हो गया, मतलब वेट तो उसका चलो चलते चलते बात करेंगे अपन, आपके बकरे ने क्या चेंजेस किए हैं, वॉक एंड टॉक होते ना लोग जैसा चाय पे चर्चा करते हैं, तो अपन चाय पे चर्चा नहीं है वॉक एंड टॉक करेंगे। ये देखो अभी भी काटा जीरो है, कंटिन्यू मेरा काटा चालू ही रहता है, कभी भी आप आके देख सकते हो,
तो नियाज भाई, आपने आपके बकरे में क्या चेंजेस देखे अभी? भाई बकरा है ना, एक तो चीज वो तो मतलब जब हम लाए थे वो दिखने में मतलब मेरा एक वीडियो था उसमें शायद सब लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें हमने बताया था कि भाई ये बकरा था एकदम सिंपल था, जैसे समझो कि खस्सी बकरा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह। तो फिर हम 2-3 महीने बाद फिर हमने उसका वीडियो बनाया, तो जब जो वीडियो शायद आपने डाला है उसमें, तो उसमें भी हमने पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल टोटली चेंज है। उस टाइम पे समथिंग उसका वेट कुछ 40-45 समथिंग था, तो माशाल्लाह अप्रैल के बाद में हमने कुछ अप्रैल में अपन वीडियो बनाए थे, अभी मई हो गया है और जून स्टार्टिंग है, आज 7 तारीख है। हाँ, 2 दिन पहले इसका फोटो आया था, तो उसमें देख के शॉकिंग शॉक मतलब एकदम ऐसा शॉक लगा, तो उसका वीडियो भी लिया मैंने, फोटो भी लिया, फोटो का वीडियो बनाया, और शायद मैंने मेरा खुद यूट्यूब चैनल बनाया नया वाला, तो उस पर मैंने डाला हुआ है। तो उसके अंदर चेहरा आपको कैसा लगा पहली बात? देखो मेरी क्या प्रायोरिटी है मालूम क्या? मैं बताता हूँ, मैं ध्यान देता हूँ मेंटेनेंस पे। बकरा जब बने ना तो सिर्फ वजन नहीं बढ़ा है, उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका चेहरा बनना चाहिए, उसकी लटक बनना चाहिए, जो मैंने ना इतने सालों में देखा है और सीखा है कुछ, ये सिर्फ वजन बढ़ाने का मकसद है। तो आप भैंस की कुर्बानी कर लो, भैंस की कर रहे हो तो फिर खस्सी बकरा ले लो। हाँ नहीं, खस्सी में भी है, देखो खस्सी में भी है, खस्सी में भी लटक होती है, सब कुछ होता है, फ्रेम देखा रहता है, सिर्फ वजन के ऊपर ध्यान देना है ना, तो भाई क्यों साल भर का पैसा वेस्ट करना। देखो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो। अभी मेरे पास एक बकरा भी आया, उमर भाई का सानियन करके है, हो गया मेरे पास आके 1.5 महीना हो गया, लेकिन बकरा ऐसा है कि 3 जगह मैंने चेंज किया, बकरा मेरे यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। अब कल आए थे उमर भाई, बोले भाई ये नहीं, मैंने बोला भाई इसकी मेरे को हिस्ट्री बताओ अभी तुम। स्टार्टिंग में उन्होंने बताया नहीं मेरे को, पहली गलती। सेकंड गलती ऐसा है कि कल मेरे को हिस्ट्री बताया, बोले बकरा अकेला रूम में रहता था। अच्छा। तो क्या वजन बढ़ाएगा बताओ, अब मैं क्या करूँ उसके पीछे? मेरे को एक्चुअली लोग बकरे देते तो हिस्ट्री, तुमने कैसा आए थे बताए थे मेरे को, बताया बोले घर में पला हुआ है या ऐसा है, तो मैंने बोला वक्त लगेगा, 3 महीना लगेगा सेट करने के लिए जो भी है। अगर ये आपने पहले बता दिया, अगर ये चीज़ मेरे को पहले मालूम रहती ना कोई भी जानवरों की, जैसा वो अदनान का भी एक वीडियो बनाया हूँ बकरे का, ब्लैक वाला उसका भी यही हाल था। दूसरे बहुत सारे बकरे अपने पूरे फार्म में मैक्सिमम 80% गोट्स बीमारी में आए थे, जो आपने बीच में भी आके देखे थे। एक बकरा था जिसको मतलब पूरी बॉडी पे कुछ मतलब फोड़ी ऐसा था, सूखी वाली फोड़ी, माशाल्लाह भी जो हमारे नवाज का जो बड़ा है उसके बाजू में ही है, मैंने उसको पहचाना ही नहीं कि मतलब इतना उसमें चेंजेस आए ना, अनबिलीवेबल चेंजेस आए उसमें। वो एकदम स्टार्टिंग में बीमारी में आया था, तो हम लोग करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये नहीं है कि दरवाजे से रिटर्न कर देता हूँ कि कोई बकरा बीमार है तो उसको रिटर्न करने वाला मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, कोई चीज़ आई है किसी की, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करो, लेकिन मुझे हिस्ट्री बताना ज़रूरी है। आपको नहीं पता है हिस्ट्री तो आप जिससे खरीदे उसको बताओ, या उसको भी नहीं पता है तो फिर हम लोगों को, लेकिन वक्त देना ज़रूर। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तकरीबन फार्म वाले लोगों को वक्त देना, भाई 3 महीना हो गया बकरा गेन नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है मालूम क्या, फार्म वाले, हर फार्म वाला मेहनत करता है, चाहे वो मेरे को चाहते हो या मेरी बुराई करते हो, हर फार्म वाला मेहनत करता है, लेकिन अप्स एंड डाउन होते हैं। और मैं फार्म वाले लोगों को भी बोलूँगा, क्या वजन से ज़्यादा तवज्जो मेंटेनेंस पे दो, आपको दोनों रिजल्ट मिलेगा, फिटनेस। अभी देखो एक बकरा है वहाँ पर हमारे यहाँ पर, वो ये देखो इधर स्टाफ पूरा निकाल के उसको, उसका मुआयना कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके हर 10 दिन में ना खुर बढ़ते हैं, हर 10 दिन में, तो हम लोग उसके ऊपर है ना ये वहाँ पर पूरा निकाल के उसके ऊपर चेकिंग कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है मालूम क्या, एग्जैक्टली अगर किसी ने हमारे को कोई चीज़ दिया हुआ है तो मेहनत से अच्छे से सेट हो जाए, और उसके घर की कुर्बानी का है तो कुर्बानी पे ये हो जाए। अगर उसको बेचना है तो कोशिश रहेगी कि उसके अच्छे रेट में बिके। लेकिन एक और एक चीज़ है, मैं हमेशा मेरे जो कस्टमर जो लेके आते बेचने के लिए उनको ये बोलता हूँ, अगर फार्म पे आप पलाई करके बकरा बेचने की कोशिश कर रहे हो 80% लॉस का चांसेस है। शौक यहाँ पे हम लोग क्या रखे, शौक के लिए रखे। अभी मेरा बकरा है समथिंग मेरी, तो चलो इसकी परचेसिंग जो थी नॉर्मल थी, अब समथिंग इसको 6 महीने हो गया, जैसे कि कोई भी नॉर्मल सा बकरा भी हम 1 साल रखते हैं तो 35,000 उसको लगेंगे राइट, और 30,000 का एक बकरा मिल जाएगा राइट, 60,000 रुपये तो ऐसे नॉर्मल इसके हो ही गए। अब हम इसको बेचने जाएंगे तो चलो अगर बकरा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, खूबसूरत है, तो उसके कुछ पैसे उसके आएंगे। अभी जैसे कि कुछ बकरा है नॉर्मल है, कुछ वजन पे भी रहते लोग जो अभी नॉर्मली 350-400 रुपये किलो अच्छे से अच्छा बकरा मिल ही रहे,
तो लोग क्या सोचेंगे, खूबसूरती नहीं देखेंगे, उनका पॉकेट का भी ध्यान देना रहता है। नहीं, हर किसी के पॉकेट का है, हर किसी का बजट है। अल्लाह ताला ने किसी को ज्यादा नवाजा, किसी को नहीं नवाजा, लेकिन मेन मेरा मकसद ये, जिसको नवाजा है अल्लाह ताला ने, जो जंगल में जाके लाख लाख रुपए के बकरे खरीदते, लेकिन यहाँ पर आके जिसके बकरे पलाए हुए हैं, साल भर पलाए हुए हैं, जो बकरा तुम जंगल में जाके लाख रुपए का मिल रहा है, वो 80,000 रुपये में अगर यहाँ पर बंदा दे रहा है, उसके बावजूद भी नहीं लेते, बोलते भाई 50,000 रुपये में चाहिए। यहाँ पर है ना, हमारी बकरेबाजी मार खाती है। सही बात है। जिसको नवाजा, जिसको नहीं नवाजा है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तो लो बजट का है, और वो हमारा हक बनता है कि उसको लो बजट के बकरे, जैसा लास्ट ईयर हम लोगों ने कोशिश की थी और वो पूरी की थी, मैंने लास्ट ईयर बकरीद के टाइम पे 8,000-8,000 रुपये के भी बकरे दिया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने किधर ना किधर कवर कराया, प्रॉफिट हुआ। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पे कुर्बानी करें लो बजट, क्योंकि मैं वो दौर से गुजरा हूँ। एक वक्त था मेरे जेब में 8,000 रुपये भी नहीं थे बकरे खरीदने के लिए, तो वो वक्त को मैं जानता हूँ और मैं वो बजट को भी जानता हूँ। मैं इसीलिए है ना, ये आप देखे मेरे मैं क्या हाल में रहता हूँ फार्म पे, आपने देखे रहेंगे और बहुत सारे लोगों ने रहेंगे। ये सारी ये चीज है ना, मतलब आप में ना बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब तो बकरा तो हमने चलो 6 महीने हो गए इसको लाके, इससे भी पहले हम आपको जानते भी थे, लेकिन क्या सोशल मीडिया पे जानते थे, कभी बात हुई नहीं कभी। हाँ, वो एक्चुअली वीडियो में मेरा बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखता है और ऐसा लगता है कि घमंडी टाइप का बंदा हूँ, लेकिन अच्छा लगते थे, मतलब कि हाँ भाई सही है, चलो अच्छे है। तो मतलब कभी राउंड पे भी नहीं आए, फिर देन जैसे लिया हमने बकरा, तो एक इशू हो गया था, मैंने बकरा किसी दूसरे फार्म पे रखा था, तो लेकिन मैं ये चीज मैंने किसी को बताया नहीं, वहाँ पे कुछ इशू हो गया, उसका नाम भी देखे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं भाई, अपने को किसी को बदनाम नहीं करना है, तो वहाँ पे भी अच्छा था चलो जो भी है, लेकिन जहाँ पे मैंने रखा था थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम क्या हो गया, उसने अपडेट नहीं दिया मुझे। हाँ, जैसे कि चलो अभी बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज नहीं, वो छोड़ दो भाई, देखो दूसरे की बातें नहीं, मैं ये बताऊंगा आपसे, ये सवाल करूंगा, मेरे यहाँ पर खराबी क्या है और मेरे को क्या चेंजेस करना चाहिए, ये मेरे को बताओ, मेरे को सीखना है, क्योंकि मैं आप लोग आके बताओगे ना, मेरी देखो कुछ है ना पॉइंट ऑफ व्यू है ना माइनस हो जाते हैं, जो मेरे नज़र से निकल जाते, तो आप लोग आके बताएंगे तो ऑन कैमरा बताओ, ताकि मेरे को सीखना है। चेंजेस जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है, बट बाकी तो अच्छा ही, तो भाई 100% है, मैं 100 चेंजेस रहना चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कैमरे पे हो तो सिर्फ मेरी वाहवाही करो, मेरे यहाँ पर नुक्स है ना, वो नुक्स मुझे बता के जाओ, अगर आप मेरे मुंह पे बताओगे तो आप मुझे ना कुछ सिखा के जाओगे, और मेरे पीठ पीछे बोलोगे तो वो गीबत होगी, मेरा बोलने का मकसद ये नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जिसको भी है ये लोगों को बताना है, मुंह पे बताओ तो मैं उसके अंदर चेंजेस लेके आऊंगा। नहीं है भाई, मेरा बकरा नहीं बना, मेरे बकरे में ये फॉल्ट है, जैसा कल उमर भाई आए बोले भाई ये चीज़ है, तो वो मेरे को क्लैरिटी मालूम पड़ी, अपन बताते, बहुत सारे गोड लवर है जिनके बकरे मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट है मेरे पास। देखो एक चीज, मतलब जैसे हमने जब इसको दिया था स्टार्टिंग 3 महीने थे, तब मैं सैटिस्फाई नहीं था, आपको भी बोला था मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मैं रखूंगा। क्यों? इसको हमने अपने रूम में रखा हुआ था, तो ये रिजल्ट नहीं देगा, मुझे पहले ही पता था, तो हमने हर महीना आते थे, लेकिन हम इसको देखते और चले जाते थे, याद आती थी, देखते थे, इसको चले जाते थे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, 2 से 2.5 महीना बिल्कुल नहीं है। तो आपका स्टाफ भी, जैसे मैं आता तो आपका स्टाफ भी खुद बोलता था सामने से, अपनी 2 बार लेट आए थे, स्टाफ को सामने से बोलता भाई आपका बकरा बहुत परेशान कर रहे हैं, सेट नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज मुझे पता थी एक्चुअली। और मेरी वीडियो भी आती थी आपको, क्या भाई बकरा बीमार हो रहा है, रीजन क्या है मालूम क्या? देखो नियाज भाई, रीजन ऐसा है कि बकरा जब घर पे पला हुआ रहता है ना, बहुत लाड से वो एकलौता रहता है, और यहाँ पर आके उसको झुंड दिख जाता है, और घर में तुम गदेले पे सुलाते हो, और यहाँ पर हम रखते हैं केजेस में और लकड़ी के ऊपर। अभी हर बकरे देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग, गदेला तो रख नहीं सकते, और उसके ऊपर वो ऐसा है, तो हम लोगों को उसको है ना हमारे माहौल में ढलने के लिए हमारे पीछे है ना मेहनत करना पड़ती है, नज़र से पकड़ना पड़ता है कि बकरे को क्या है क्या नहीं, और मैक्सिमम जब भी मैंने इसको देखा हूँ नज़र से पकड़ा हूँ कि भाई नहीं ये आज बीमार है, हुआ है वाला लेके आओ इसको बाहर, इसको ट्रीटमेंट करो, उसको लेके आओ सेट। मैंने इसके यहाँ के केजेस से लेके फिर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा होने लग गया, तो मैंने उसको नए केजेस में डाला, क्योंकि वाइट बकरा है, और वो वाइट बकरा जो होएगा ना, तो ये तो फिर वो नए केजेस में डाला, उसमें भी मैंने अपने आज देखे केजेस पूरे साफ़ है, वो बकरा साफ है जो नहलाए हुए अपन ने, उसके बाद में भी बकरा आपका 2 दिन में थोड़ा बहुत मैला हो गया, क्यों? इसकी आदत है पैर फैला के सोने की, तो ये पूरा ये पहले दिन जब मैंने 2 दिन पहले निकाला था ना, तो नहलाने के लिए मैंने ऐसा देखा, वहीद को बोला भाई ये अपने फार्म का बकरा नहीं, क्योंकि वो इतना गंदा था, मतलब बोले नहायती गंदा बोल सकते हैं उसको, और वो मेरे को चीज़ पसंद नहीं है।
सफाई निफ्स ईमान है और हम लोग पहले उस पर तवज्जो देते हैं और एक्चुअली हम लोग लगे हुए, अभी आज भी आप आए हुए, बारिश का पूरा माहौल है, कम से कम हम लोगों का ये काम है ना 3 दिन पहले ख़त्म हो जाना चाहिए जो सफाई का नहलाने का, लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही है शाम के टाइम पे। अब बकरों को नहलाओ, फिर ये मैं नहला रहा हूँ तो भी 10-10 बकरों को नहला रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम गोट्स नहीं हो पा रहे। हमारा टारगेट है 25 गोट्स नहलाने का, लेकिन 10-10 बकरे मतलब 15 गोट्स हम लोग पीछे चल रहे पड़े। बारिश चलेगी उसमें मुश्किल नहीं है, मैं नहलाऊंगा बकरे को। मेरे पास ट्रीटमेंट है उसको, कैसे उसके बॉडी में गर्माहट रखना है, कैसा है नहीं है, वो पूरे तरीके से है। हम लोगों के पास ऑप्शन है तो हम लोग करते हैं उसके ऊपर। लेकिन क्या है, नहलाना ज़रूरी है क्योंकि बकरा साफ दिखेगा तभी तो बकरा दिखेगा वो तरीके से, मतलब वैसा ही वजन के ऊपर रखूँ और वैसा ही रखूँ। हाँ, वेट बढ़ रहा है, मैं वीडियो डाल रहा, भाई आपके बकरे का रिजल्ट बहुत भारी है, वेट बढ़ रहा है। वेट से क्या मायने, क्या लोगे बताओ मेरे को? वेट से आदमी देखता है, तुमने ये खूबसूरत गुलाबी चीज़ देखी है, खूबसूरती की वजह से देखी है। तो आपको वो पोजीशन पे घर पे बकरा जाए, कुर्बानी में जाए, ताकि हमारे को भी लगे कि नहीं, हम लोगों ने मेहनत की, हमारा अवार्ड वो है। सही बात है भाई, हम लोग इतने पैसे नहीं बनाते हैं इसके अंदर। मेरे स्टाफ के और मेरे इलेक्ट्रिक बिल निकल जाए ना तो बड़ी बात है। जो चार्जेस हम लोग ले रहे हैं मिनिमम कोविड को देखते हुए, उसमें कोई भी हर कोई बोलता है कि भाई कैसा परवरता, बहुत सारे लोग आते हैं कैसा परवरता, लेकिन भाई अल्लाह ताला बहुत बड़ा बादशाह है, कुछ ना कुछ निकाल देते हैं और हो जाता है, कोई ना कोई जरिए से कहीं ना कहीं से वो प्रॉफिट दिला ही देते हैं। और मेरे बहुत सारे बकरे हैं जो उन्होंने मतलब बिके हैं अच्छे अच्छे रेट में, अल्लाह ताला ने बिकवाए हैं, और वही बकरे के पैसे से मेरे ये केजेस बन रहे हैं जो मैंने लेके रखा था, और जितने भी केजेस है ये सब उनके पैसे से ही बने हुए। तो रीज़न ऐसा है कि एक को बेच के अगर मैं 100 की जगह बना रहा हूँ तो वो मेरे लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट का मसला होगा, और जैसा भी है, और बकरे वो मेरे पास ही है पलाई पे, तो मेरा शौक चलता रहेगा। अभी वही बकरों से अपना इन्वेस्टमेंट हो गया, जो प्रॉफिट होगा वो फ्यूचर में इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह भाई, देखो कोशिश यही है मेरी कि मैं इनकी खिदमत करते रहूँ और अच्छे से अच्छा इनको खिलाऊँ। मेरे नज़र में ऐसा नहीं है क्या भाई, मेरे नज़र में मेरा ज़ाफरान है तो वही नज़र मेरी इसके ऊपर, नवाज़ के ऊपर भी रहेगी, वही नज़र मेरी दूसरे बकरे के है ना पलाई पे उन पे होगी। चाहे बंदे ने एक बकरा क्यों ना रखा हो, चाहे बंदे ने देवनार से क्यों ना ला के रखा हो। कल हैदर भाई भी आए थे, उनका बकरा जो PPR में आया था मेरे पास, उनकी भी शूट लेंगे नेक्स्ट हफ्ते। जो आज सेट हुआ माशाल्लाह, लास्ट मंथ 55 kg के ऊपर था, ये महीना वो खुद आके वजन करके गए 60 kg के ऊपर है, और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये हमारे लिए अवार्ड है, बकरा दिख के आना चाहिए और ज़िंदा है और चल रहा है, तो ये इसमें हमारी करामतें नहीं है, इसमें करामत है अल्लाह की तरफ से, हम लोगों को मेहनत का फल मिल रहा है इसका। तो अभी आपके बकरे में क्या क्या चेंजेस है ये बताओ। अभी बकरे में ना भाई, मतलब हम लोग जब स्टार्टिंग में लिए थे ना, इसको लेने से पहले भी मतलब बकरे का हम लोग को बहुत क्रेज था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन कैसे खरीद सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह खरीद सकते थे, लेकिन क्या उसको लेके हम लोग पालने जैसा इतने अपनी कैपेसिटी नहीं थी। जैसे हम लोग जो एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे लेके नहीं रख सकते, हमारा कोई जैसे हमारी कोई ऑफिस वाला टाइम नहीं है कि जो टाइम पे जा रहे हैं वो टाइम पे आएंगे। हमारा कैसे अल्हम्दुलिल्लाह खुद का है तो उसमें कुछ टाइम नहीं है, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी दिन भर बैठे रहेंगे तो भी चल जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या नहीं लिया, फैमिली जो है मेरी वो गुलबर्गा में रहती है और मैं तो पालघर में रहता हूँ, तो कभी पालघर से गांव जाना रहता है, कभी आना रहता है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने नहीं लिए। तो जैसे हम लोग लिए थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जैसे हम बकरा लेंगे, जैसे फोटोज में इंस्टाग्राम वगैरह पे हम लोग बकरे दिखते थे कि यार बकरा ऐसा लेना चाहिए, बकरा वैसा लेना चाहिए, बकरा ऐसा होना चाहिए। तो मतलब एक ख्वाहिश थी कि बकरा हमारा जब हो तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कुछ लोग देखेंगे तो बोलेंगे वाह ऐसा होना चाहिए। तो अभी जैसे लास्ट 2 मंथ पहले हम लोग आके देखे थे ना, तो था ऐसे मतलब काफी काफी अच्छे चेंजेस आए हुए थे हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, काफी आए हुए थे। लेकिन अभी जब अभी देख रहे ना तो जैसे बकरा हमको चाहिए था अभी फिलहाल वो वैसे ही नहीं, जैसा चाहिए था उसमें 20% है, कितना परसेंट है? 85 के प्लस परसेंट है इसमें भी फिलहाल। क्या है उसके अंदर? अब मैं आपकी नॉलेज जानना चाहूंगा, क्या है उसके अंदर, ऐसी क्या बात है इसके अंदर जो आई है? ये जो, अभी जो फिलहाल जो उसमें आया है ना, उसका जो फेस है ना, फेस जैसे एकदम रोडी लोग होते हैं ना, रोडी लोग मतलब एक मर्दाना चेहरा होता है, मतलब एकदम खतरनाक जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग नॉर्मल भी रहते हैं, तो उस टाइप में एकदम रुबाब उसके चेहरे पे जो रुबाब आया ना, एकदम मर्दाना वाला एकदम। एक मिनट, अपन बकरे को ही लेके आते हैं यहाँ पर, तो अभी हम लोग बताते हैं एग्जैक्टली चेहरे में क्या है, बताओ मेरे को भाई। इसका जो पहले था ना
ये हिस्सा है ना इसका ये नहीं था, जैसे इसमें रिंकल जैसे आने वाले भी हाँ। इनके साथ फीचर कुछ मंथ में एक मीटर थोड़ा लूज करो ये हाँ ये चेहरे में जो पंच फेस है राइट जैसे ये नहीं था और जो इसका जो है ना एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा फेस था इसका हाँ। अभी कैसे कान एकदम काफी बड़े लग रहे थे लेकिन अभी आपके मुकाबले जैसे इसका फेस है ना हाँ। एकदम एकदम मर्दाना जैसा हो गया ना तो कान की साइज है ना इसके सामने कम लगने लगी और इसके जो गला पट्टी है ना ये 2 महीने में ना गला पट्टी ना काफी उतर गई हाँ, ये लटक देखो उसकी हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी है हाँ, ये काफी उतर गई और इसका इनके साथ फ्यूचर ना ये जो रिंकल्स आते ना रिंकल्स हाँ, वो कुछ महीने में इंशाल्लाह इसमें रिंकल्स भी आएंगे इंशाल्लाह कुछ मंथ में और उसके आगे और ये सीना जो है ना इसका सीना ये थोड़ा नॉर्मल था हाँ, अब यहाँ पे मतलब पूरे एकदम झाला झाला जैसे एकदम ये आई हुई लटकन एकदम यहाँ तक उसकी लटकन आई हुई यहाँ तक और जो फेटी का जो ये इसको फेटी पेटी बोलते हैं ना हाँ, इसका साइज इतना नहीं था ये मतलब जो छोड़ा है नीचे अभी 2 महीने में ऐसा लग रहा है इसको पकड़ के किसी ने खींचा हुआ है नीचे हाँ, तो एकदम ये लटकने लग गया जैसे जी ये चीज है ना एकदम काफी उतर गया यहाँ पे नीचे हाँ, तो ये चीज है ना बहुत चेंजेस आए हुए तो इससे इसकी खूबसूरती ना और ज्यादा बढ़ गई तो एग्जैक्टली आपके हिसाब से अभी कैसा है माशाल्लाह भाई बहुत है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया हुआ इसने और इसमें आपकी भी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है भाई कि जब हम अप्रैल में आए थे तो मतलब उसके मुकाबले इसका रिजल्ट है ना बहुत ज़्यादा दिया हुआ है अनबिलीवेबल अप्रैल में 45 केजी था आज 56.50 पकड़ लो भाई वेट मैंने नहीं करता भाई लेकिन कैसे इसमें जो चेंजेस आए ना वही मेन है तो आप क्या सजेस्ट करोगे मेंटेनेंस या वेट भाई मेंटेन रहना चाहिए बकरा तो वेट खुद ब खुद ले लेगा वेट तो ले लेगा कोई बात नहीं लेकिन क्या अगर बकरा मेंटेन रहेगा ना हाँ। तो उसकी खूबसूरती अलग ही आती है लोग है ना खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी नॉर्मली देखो बकरा इतना हैवी नहीं है नहीं है और ज्यादा बकरे में ये कोई इतना ये नहीं है लेकिन बकरा ओनली 56 केजी पे है और बकरा अपने आप को बहुत अच्छा शो करता है तो स्ट्रक्चर है ना भाई स्ट्रक्चर है हाँ तो ये अपने आप को बहुत अच्छा शो करता है वो शो के ऊपर ही है ना आदमी दिख के आना चाहिए एक्चुअली फ्रेम बड़ा होना चाहिए और दिख के आना चाहिए सब कुछ क्लैरिटी होना चाहिए वो उसमें मज़ा आता है सही बात है तो देखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया नियाज भाई हाँ आज आगे कुछ बोल रहे थे तुम हाँ भाई मैं तो देखो अभी इसमें तो कुछ जैसे आप बोलेंगे कि भाई आप सेटिस्फाइड हो भाई सेटिस्फाइड की बात ही नहीं आती इसमें ठीक है मतलब आप अनसेटिस्फाइड हो 100% तो चलो 100% ही है अब इससे ज्यादा अगर होता तो मैं बोलता भाई हाँ कि मैं इतना % सेटिस्फाइड हूँ लेकिन 100 की बात तो कुछ है ही नहीं तो भाई तो जज़ाकअल्लाह खैर मैं तो और भी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको रखना है तो आरके गोल्ड फार्म पे रख दो लेकिन उसके पहले है ना उसने उससे पहले आके वीडियो के ऊपर जज मत करो आप आके खुद देख लो पर्सनली आओ देखो हमारा रहने का कैसा हमारे यहाँ पर बीमार जानवर भी ऐसा नहीं है और मॉर्टेलिटी हमारे यहाँ पर भी होती है ऐसा नहीं है कि मॉर्टेलिटी नहीं होती और बीमार भी होते जानवर क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये मार दिए इतना ये है कि दवा और दुआ साथ में चलती है तो मैक्सिमम कोशिश होती है कि जानवर बीमार होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं मॉर्टेलिटी नहीं हुई है ऐसा कोई भी ये नहीं है क्वेश्चन मार्क नहीं है मॉर्टेलिटी भी हुई है लाइफ स्टॉक है मॉर्टेलिटी पार्ट ऑफ बिजनेस होता है इसके अंदर तो ठीक है चलो इसके साथ में साइनिंग ऑफ करते हैं तो बस दुआ में याद रखना अपना ख्याल रखना गरीबों की मदद करना भूलना नहीं अपने अम्मी अब्बा का फर्मा बदा बनो ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया टेक केयर अल्लाह हाफिज़ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू